अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना स्केली। दोस्तों आज हम पबजी टेस्ट करने वाले हैं भाई रियलमी GT 6 का। यहां पर आपको रियलमी GT 6 का देखेंगे परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी, पबजी में हाई क्लास मिलता है या नहीं। दोस्तों ये हमने अनबॉक्सिंग में ही बताया था, अब देखते हैं कि वाकई पबजी की परफॉर्मेंस में और बैटरी कितनी ड्रेन कर पाता है। ज़्यादा हीटअप तो नहीं होता ये फ़ोन, सारा कुछ अंदाज़ा लगा लेंगे। GT 6 की पाकिस्तान में ऑफिशियल प्राइस 1.5 लाख रुपये, 1,50,000, और यहाँ पर आपको 16 GB 512 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3, और इसके साथ आपको ये 4 नैनोमीटर वाला मिलता है। 5500 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में, साथ ही 120 वॉट का चार्जर देखने को मिलेगा जो कि 35 मिनट तक करीब करीब चार्ज कर देगा इस फ़ोन को। इसके साथ अगर डिस्प्ले का अंदाजा लगाएं, काफ़ी मक्खन और स्मूथ डिस्प्ले भाई, LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया यहाँ पर 6.78 इंचेस का, कर्व्ड है डिस्प्ले और 600 निट्स की ब्राइटनेस है। बड़ा मज़ा आने वाला दोस्तों पबजी टेस्ट करने में। आज पता चलेगा के फोन में कितना है दम। 13,80,278 बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलते हैं करीब करीब 14 लाख के करीब। तो यहाँ पर टेम्परेचर देख रहे हैं 33.7 है रूम का टेम्परेचर, फोन का टेम्परेचर है 35.6, अपसाइड 35.6, यहाँ से 36 है, अपसाइड से 36.2। दोस्तों डेफिनेटली आपको यहाँ पर जायरोस्कोप का ऑप्शन तो मिलेगा। यहाँ पर 120 FPS तक आप पबजी प्ले कर सकते हैं, मैनुअल एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, कम FPS भी कर सकते हैं, और स्मार्ट एडजस्ट मतलब कि जितनी FPS है उतनी पे प्ले कर सकते हैं। मतलब आप एक्सट्रीम पर नहीं बल्कि आप अल्ट्रा HDR में, अल्ट्रा और स्मूथ में आप अल्ट्रा एक्सट्रीम में प्ले कर सकते हैं 120 FPS। तो यहाँ पर बैटरी देख सकते हैं 56% है दोस्तों। एक मिनट हो गया था पबजी प्ले करते हुए, फिर याद आया बैटरी 56 है। अब हम देखते हैं कितनी बैटरी ड्रेन होती है। यहाँ पर भाई 3 मिनट हो गए और हैप्टिक्स फ़ोन की स्मूथनेस काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। यहाँ पर टच रिस्पॉन्स, यकीन कीजिए कि मुझे मज़ा आ गया है पबजी प्ले करने में। मुझे यहाँ पर कलर्स देखिए, ग्राफिक्स देखिए, 120 FPS में हम प्ले कर रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने ऑन की हुई है, पर मज़ा आ रहा है दोस्तों प्ले करने में। मैं इतना प्लेयर भी नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई प्ले करने में। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई क्या परफॉर्मेंस रहती है।
यहाँ पर पबजी टेस्ट हो गया है कंप्लीट दोस्तों। और पबजी में अगर आपको बताएं तो यहाँ पर थोड़ी सी ब्राइटनेस हम कम कर लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाते हैं दोस्तों, अगर ब्राइटनेस कम आपको नज़र आ रहा है तो 20 मिनट 50 सेकंड तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने की है और टोटल टाइम जो टेस्ट किया वो तकरीबन 23 मिनट किया है। तो 3 मिनट बाद हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की थी, तो यहाँ पर 22 मिनट का लगा लें आप टेस्ट, क्योंकि 1 मिनट वो जो पबजी हम प्ले कर रहे थे, लेकिन 56% बैटरी थी रिमेनिंग। अब यहाँ पर फ़ोन काफ़ी हीटअप हो चुका है दोस्तों, बहुत हीटअप हो चुका है। यहाँ पर 32.6 कमरे का टेम्परेचर है, फ़ोन हाई हो चुका है, 42 से भी बहुत हाई है दोस्तों। गर्म हो रहा था फ़ोन, हाथ में लग रहा था गर्म दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए हाई हो चुका है, 42 डिग्री से बहुत हाई है, तकरीबन 45 डिग्री तक 60 डिग्री तक है ये इस वक्त फ़ोन का टेम्परेचर। तो ये बड़े फ़ोन्स का यही मसला है दोस्तों, लेकिन ये कि लैग की प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिली। और अगर बैटरी की बात करें 56% थी पहले, इस वक्त 45% है। यहाँ पर 11% बैटरी का बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है दोस्तों, 5500 mAh की बैटरी है, तो उस हिसाब से 11% बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है। स्क्रीन बड़ी है, हमने फुल ब्राइटनेस की हुई थी, यहाँ पर वॉल्यूम भी काफ़ी किया हुआ था, हाफ वॉल्यूम किया हुआ था, फिर आपसे थोड़ा कम किया, क्योंकि ड्यूअल स्पीकर है तो उस हिसाब से बैटरी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम होगी। और फुल ब्राइटनेस हमने की हुई थी, फिर थोड़ी सी कम की ब्राइटनेस। बाकी पबजी के हिसाब से, प्ले करने के हिसाब से, स्कोप वगैरह और यहाँ पर जायरोस्कोप का मामला काफ़ी ज़बरदस्त रहा दोस्तों। गेमिंग के मामले में हैप्टिक्स टच वगैरह काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, तो इसमें तो कोई हमें दिक्कत नहीं हुई दोस्तों पबजी के मामले में। वो गेमिंग फ़ोन आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं दोस्तों गेमिंग के हिसाब से। बाकी ये है कि इसमें कूलिंग सिस्टम है तो ज़्यादा हीटअप नहीं होगा फ़ोन। अब आपको कैसा लगा ये फ़ोन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा हमसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।